किशन पाल गुजर है, उसने इतने घोटाले किए हैं, हजारों करोड़ के घोटाले किए, मामा भांजे का हर दुनिया में नाम है। आज देखिए मैं और अम्बावता जी, आज हमारे सामने ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें या कहां से लड़ें, ये पार्टी फैसला करेगी। आज हमें ये है कि हमें किसानों के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, उन्होंने अपना सब कुछ किसानों के, गरीबों के हित के लिए काम करेंगे। जहां से पार्टी जो हमें लूटी देगी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन इन भ्रष्ट बेईमान लोगों के खिलाफ मैं सदैव लड़ाऊं, चाहे मेरी सरकार रही हो। फरीदाबाद के हितों का जहां सवाल आता है, वहां मैं कभी भी नहीं रुकता। मैंने हमेशा, चाहे मैं कहीं भी रहा हूं, लेकिन जब फरीदाबाद के हितों का सवाल आया, उनकी जो पीड़ा है, उनको जब तकलीफ पहुंचती है तो मुझे दर्द होता है। मैं फरीदाबाद में, चाहे यूपी में रहा, 5 साल में मेरठ से एमपी रहा, चाहे अब मैं मुजफ्फरनगर से था, लेकिन जब यहां से चीज उठती थी तो दर्द मुझे मुजफ्फरनगर में होता था। सदैव मैंने इस फरीदाबाद के लोगों का, इस मेवात का, इस इलाके का मैंने सेवा की है। मैं हरगिज ये चाहता हूं कि हमें फरीदाबाद के लोगों के तकलीफ ना पहुंचे। फरीदाबाद को जिस तरह से रौंदा है, वहां बर्बाद हो गए हैं लोग, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मैंने उस बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप ईमानदारी की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि आपका एक मंत्री है जो किशन पाल गुजर है, उसने इतने घोटाले किए हैं, हजारों करोड़ के घोटाले किए, मामा भांजे का हर दुनिया में नाम है आज, कि उस आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रदूषित शहरों में आता है तो फरीदाबाद है। जनजीवन, पशुओं का जनजीवन खतरे में पड़ गया है। आज वहां इतने अपराध हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ऐसी सूरत में मैं चुप रहूं और वो वहां जुल्म होते रहे, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने हमेशा फरीदाबाद के लोगों के लिए, वहां के आवाम के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए काम किया है। तो मैं हमारे सामने चुनौती नहीं है कि वो हमें कहां से लड़ाएंगे, हम कहीं से लड़ें। हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, और मैं हमेशा ही फरीदाबाद के 36 बिरादरी ने सदैव मुझे हाथों पर रखा है, मैं सदैव उनके लिए काम करूंगा। और मुझे लगता है कि जहां से और एक उसके साथ मैं कहूंगा, मुझे कहा गया है कि आप फरीदाबाद से काम करें, लेकिन मैंने कहा कि जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी, स्टेट यूनिट्स, हरियाणा के सभी नेता हमारे एकजुट होकर हम बैठेंगे, हम नहीं चाहते कि हमें कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो। जिस तरीके से हरियाणा में आवाज उठ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, लेकिन जींद के चुनाव ने अपनी कुछ कारणों से वो नुकसान हुआ, हम नहीं चाहते कि उसका फिर यहां नुकसान हो। हम सारी कांग्रेस को एकजुट होकर, अपने परिवार को, जो कांग्रेस परिवार है, सब नेताओं को इकट्ठा करके फिर लड़ेंगे। हम 10 की 10 सीटें जीतना चाहते हैं, जिससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अवतार जी, आपकी संभावना है फरीदाबाद से लड़ने की, और कांग्रेस के आप मजबूत नेता हैं, तो किशन पाल जी जो है अपनी टिकट कटते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो उनके बारे में बहुत अच्छा कुछ सोच भी नहीं रखता हूं। उनकी जो सोच है वो जनता के प्रति कुछ है नहीं। अच्छा होता कि पहले आज बीजेपी को आंख खुली है, अगर पहले इसकी टिकट काट दी होती तो, और इस जनता की बात सुनी होती या मेरी ये बात सुनी होती, किशन पाल के आप सर्वे करा लीजिए। अपराध मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा को कहा था, रिटर्न में दिया है मैंने, कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए, मेरी 10 साल की करा लीजिए, इसकी 5 साल की करा लीजिए, अगर मेरे में कोई दोष है तो मुझे फांसी लगा दो, नहीं किशन पाल को जेल भेज दो। आप जब सांसद चुन के आएंगे तो इंक्वायरी करवाएंगे इनकी? मैं इनको जेल भेजूंगा।